हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेंद्रेता। शैतान के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज से डेली शैतान की एडवांस बुकिंग का एपिसोड हम करने वाले हैं। कोशिश करूंगा डेली का एक आए, उसके बाद अगर अच्छा खासा पिकअप पड़ती है तो 2 एपिसोड भी आएंगे फॉर श्योर। बट इतना कह सकता हूं, कोई भी रिपोर्ट मिस नहीं होने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। शैतान अभी तक इस साल जितनी फिल्में आई है सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। वेदर ये रीमेक है फिर भी, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो हाई ऑक्टेन, मतलब एक इशारा दे रहा है कि हां कुछ अलग और कुछ नया देखने को मिल सकता है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये इसके लिए ना हर कोई एक विश्वास है अंदर से कि ऐसी फिल्म जो है ये बॉक्स ऑफिस पर निकल जाएगी, मतलब कि हिट हो जाए, क्योंकि बजट बहुत कम है, बहुत कम बजट की फिल्म है। दूसरा, अजित देवगन इसमें है तो वो ऐसी फिल्मों को हाथ लगाते हैं, भले ही रीमेक हो, उनको पता है ये जो कंटेंट है, जो स्क्रिप्ट है, पब्लिक को थिएटर तक खींचकर लेकर आ जाएगी। बस डे 1 इसके रिव्यूज बढ़िया आ जाए फिर स्काई इज द लिमिट है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। फाइटर ले लो, आर्टिकल 370 ले लो, और भाई तेरी बातों में उलझा जिया ले लो। तीनों इस साल की सक्सेसफुल फिल्म है। तीनों ही फिल्म्स की ना अगर आप एडवांस बुकिंग देखो ना, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, एक नॉर्मल एवरेज एडवांस बुकिंग थी। पर अब धीरे 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 देखो तो फिल्म्स ने पिकअप किया है, अच्छा खासा कलेक्शन किया है। बल्कि फाइटर का बजट ज्यादा था, उस हिसाब से थोड़ा इंडिया में कम हुआ है, बट ओवरऑल उस फिल्म ने पब्लिक को इंप्रेस किया है और पैसा भी कमाया है। आर्टिकल 370 तो बढ़िया कर रही है, तेरी बातों उलझा जिया हिट हो चुकी है। अब बात करते हैं शैतान की, कि शैतान भी इसी तरीके से चलने वाली है एडवांस बुकिंग में। तो मुझे लगता है हाँ, शैतान की एडवांस बुकिंग भले ही कम होगी, पर यह जो फिल्म है पिकअप करेगी, बढ़िया तरीके से पिकअप करेगी। योद्धा आएगी तो भी फिल्म रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अब आपको बताता हूं शोज। कोलकाता 115, हैदराबाद 105, बैंगलोर 112, पुणे 136, मुंबई 501 एंड दिल्ली एनसीआर 549, 549 शोज हैं। एवरेज टिकट प्राइस 219 है। टोटल शोज इसको अलॉट हो चुके हैं 4152। 21,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं और 50 लाख की एडवांस हो चुकी है। इसको देखकर लग रहा है ना, अगर ये 2.5 से 3 करोड़ की भी एडवांस ले लेती है, 2.5 से 3 करोड़, मैं ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा हूं, फिर भी पहले दिन के ऊपर 8.5 से 9 करोड़ लेकर आ जाती है। अगर पहले दिन पे 8.5 से 9 करोड़ लाती है, वर्ड ऑफ माउथ प्ले में आता है, तो दूसरा दिन 13-14 करोड़ और तीसरा दिन 15-16 करोड़ इजीली आएगा, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। अब देखते हैं ये एडवांस कितना लेकर आ सकती है। बाकी जहां तक मुझे लग रहा है 2.5-3 करोड़ की एडवांस उठाएगी और 8 से 9 करोड़ डे 1 लेकर जाएगी। आपकी क्या राय है, जो मैंने अभी बातें कही, कितनी सहमत हो आप मेरी बातों से, वो जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में करके। वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।